मंजिल पाएंगे अगर ये सो साथ हो, जीत हम जाएंगे अगर ये सो साथ हो, मंजिल पाएंगे अगर ये सो साथ हो, जीत हम जाएंगे अगर ये सो साथ हो। हरे रौदे में हम कामयाब होंगे, हम हैं सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस, हम हैं सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस, हम हैं सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस। सो सारिआं नूं जय यीशु मसीह दी। अज असी सिंगिंग स्टार ऑफ जीजिस के ग्रैंड फिनाले विच पहुँच चुके हाँ। सो सब तो पहला मैं सारिआं दा वैलकम करदी हाँ। एक बारी जोरदार तालियां लगावांगे असी अपनी ऑडियंस वास्ते अते पार्टिसिपेंट्स वास्ते जो ग्रैंड फिनाले दे लई सिलेक्ट होए हन। अते नाल ही मैं प्रार्थना करदी हाँ परमेश्वर अगे कि जिस तरह साडे पिछले जो सारे सैमी फिनाले क्वार्टर फिनाले असी जो सारे कीते हन उन्हां च परमेश्वर ने साडी अगवाई की है। तो यही प्रार्थना करदी हाँ कि अगे भी परमेश्वर साडी अगवाई करनगे ग्रैंड फिनाले दे विच भी। अते नाल ही मैं सारिआं नूं मोटीवेट भी करदी हाँ अते बेस्ट विशेस देनी हाँ जिन्हां दी परफॉर्मेंस है ग्रैंड फिनाले दे लई। सो एक बार जोरदार ताले लगावांगे असीं अपने कलाकारां दे वास्ते जिन्हां ने अज परफॉर्मेंस देनी है ग्रैंड फिनाले दे वास्ते। एक बार जोरदार तालियां। सो सब तो पहला मैं अपने ग्रैंड फिनाले दे पहले कलाकार नूं बुलाउण जा रही हाँ जॉन दा, वो स्टेज उपर आउण और अपने हुनर नूं प्रदर्शित करन। Yeah.
दे नाल ही मैं अपने नैक्सट कलाकार नूं बुलाउण जा रही हाँ जिन्हां दा नाम है सलमान। अगले सुरां दे गुलदस्तियां दे विच्चों बुलान जा रहे हैं अगले कलाकार नूं जिन्हां दा नाम है एंजल। मेरा जिस्म जे हो जावे मेरा जिस्म हो जा जी।
अपने अगले कलाकार नु बुलाउन जा रहे हाँ। डैनियल गिल प्लीज स्टेज उपर आ जाओ। जिथे मीं बरसे रब्बी रहमत वाला खेती नू हरिया कर जांदा, जेड़े रखन परोसा
प्लीज स्टेज दे उपर आउण और अपने हुनर नूं प्रदर्शित करन। Yeah.
नसीब भी कमाल दे बेतरहम शैल दे नसीब की कमाल दे वो जन्म ले आज थे जन्म ले आज थे मरहम दिलाल ने बेतरहम शैल दे नसीब की कमाल दे बेतरहम शैल दे नसीब की कमाल दे नसीब की कमाल दे नसीब की कमाल दे अपने अगले कलाकार नु बुलाउन जा रही हां जिन्हां दा नाम है विलियम मसी कईयां दे सिर ते आरे चल गए ओ कईयां दे तलवार पर रब दे तालब मौतों मूल नी डर दे आवे कोई कर ले जुल्म हजार एक मारेगा एक मारे गा इत्थे लख जमण गे ओ इत्थे लगियां रहण कतार ओ इत्थे लगियां रहण कतार यसुदा सिपाही हां यसुदा सिपाही हां जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा यसुदा सिपाही हां यसुदा सिपाही हां जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा ओ मैं विश्वास यसू तेरी बंदगी यसू तेरी बंदगी जरूर करांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा यसू दा सिपाही हां यसू दा सिपाही हां जरूर लड़ांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा
मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास कलाकार नूं बुलाउण जा रही हाँ जिन्हां दा नाम है राहुल मसीह। परेशान
तुझे पास बुला परफॉर्मेंस। और इस दे नाल ही मैं ज्योति जी नूं स्टेज दे उपर बुलाउण जा रही हाँ कि उह स्टेज उपर आउण और अपने हुनर नूं साडे सामने रखण। बांह फड़ ली यीशु ने मेरी बांह फड़ ली, बांह फड़ ली यीशु ने मेरी बांह फड़ ली, बांह फड़ ली यीशु ने मेरी बांह फड़ ली, बांह फड़ ली यीशु ने मेरी बांह फड़ ली। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बांह फड़ ली, बांह फड़ ली यीशु ने मेरी बांह फड़ ली, बांह फड़ ली।
स्टेज ऊपर आ जाओ। पदा स्वरे गा रे सानी निरे मारे दीदा पदा स्वरे गा रे सानी निरे मारे दीदा मेरे सोने यसु ऐ जगत दे पिता मेरे सोने यसु ऐ जगत दे पिता है तेरा शुक्रिया तेरी क्या बात है मेरे सोने यसु ऐ जगत दे पिता है तेरा शुक्रिया तेरी क्या बात है ओ तेरी क्या बात है तेरी क्या बात है तेरी क्या बात है तेरी क्या बात है मेरे सोने यसु ऐ जगत दे पिता कर दो करम धरनी मुझको लगा कभी कर दो करम धरनी मुझको लगा मांगता कुछ नहीं बस ये मेरी दुआ मांगता कुछ नहीं बस ये मेरी दुआ कभी कर दो करम धरनी मुझको लगा कभी कर दो करम धरनी मुझको लगा चूम लूं तेरी चौखट को सोने पिया चूम लूं तेरी चौखट को सोने पिया जहां रहता खुदा तेरी तेरी क्या बात है तेरी क्या बात है ओ तेरी क्या बात है तेरी क्या बात है सदा तेरे रे रे गगा गम म प मा मा गा रे सा सदा तेरे रे रे गगा गम म प मा मा गा रे सा सा तेरे सा गा गा रे गा म प मा प द ग म मेरे सोने यसु मैं जगत रे पिता तेरा शुक्रिया तेरी क्या बात है सदा तेरे रे रे गगा गम म मेरे सोने यसु
है जगत दे पिता तेरा शुक्रिया तेरी क्या बात तेरे दर पे खड़ा मैं होके दया तेरे दर पे खड़ा मैं होके दया कभी कर दो करम करनी मुझको लगा कभी कर दो करम करनी मुझको तेरा शुक्रिया तेरी क्या बात ओ मेरे सोने यसु मैं जगत दे पिता तेरा शुक्रिया तेरी क्या बात ओ तेरी क्या बात साडे कलाकार से जो ग्रैंड फिनाले दे विच शामिल सन और मैं हुण खास करके स्वागत करती हाँ रेवरेंड फादर जोस्टी दी ली कि उस स्टेज उपर आन और कुछ शब्द साडे नाल सांझे करन इस प्रोग्राम दे लई सो सारे जोरदार तालियां मारांगे रेवरेंड फादर जोस्टी दे लई सो सारिया नू जय यीशु मसीह की गाने दे लहर दे बीच में ए अपस्वर होवेगा जेकर मैं कुछ बोलेगा तो पर फिर भी सब तो पहला सबनों वधाई देना चाहते हैं फादर मार्टिन सादिक जिन्हें दे गवाही हेट प्रार्थना भवन टीवी दे ये जो हुनर मसीही लोकां दे विच जो है इसनों लभण दे लई अते ढूंढ निकाल के उसनों प्रमोट करन दे लई जो मुहिम चलदा है उस लई वधाई दिंदे हाँ सब तो पहला इस नाल बाकी सारे जो सहयोगी है अते आज विशेष तौर ते जो पार्टिसिपेंट्स है जेतु सब है किसी समय कोई जेतु होगा किसी समय कोई और जेतु होगा तो इसी करके कौन आज जीत हासिल कर रहा है या कल कोई और जीत हासिल करेगा इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पर हर कोई जो पार्टिसिपेट किया है ते अपने दिल दे आवाज़ दे नाल गाना पेश किया है उन सभी को बधाई देंदे हाँ कि तुहाडे जो आगे जो सफ़र है आगे और बहुत है क्योंकि सारे नौजवान बच्चे हैं तो इनके जो गाना गीत और संगीत जो है ये जो सफ़र है आगे मुकम्मल हो जावे तो याद कर दे हाँ कि दाऊद जो नौजवान सी उसने गाना रचिया गाना गाया अते गाने दे लई जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो खुद बनाए गाना गाण दे लई इसी तरह दी ये जो प्रभु तो मिलन वाली खास आशीष है ये तुहाडे सब दे नाल हो जावे प्रार्थना करदे हां एक और वारी तुहानू सारियां नू वधाई दिंदे हां अते अज जीत हासिल करन वालियां नू भी वधाई दिंदे हां थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू फादर जी के लिए जोरदार तालियां रिक्वेस्ट कर दी हाँ रेवरेंड फादर मार्टिन सादिक जी प्लीज़ स्टेज उपर आन और अपने विचार भी साढ़े नाल सांझे करन जोरदार तालियां मैं दो शब्द धन्यवाद दे कहना चाहना सब तो पहला मैं आज दे मुख मेहमान साढ़े मानयोग फादर जोस्टी लिए धन्यवाद कहना चाहता हाँ क्योंकि उन्होंने साढ़े लिए बहुत ही कीमती समय विचों समा कढ़िया ते सानू इत्थे आन के पार्टिसिपेंट्स नू साढ़े स्पॉन्सर्स नू साढ़े जजस नू सन्मानित किया साढ़े फादर जी जिदा एंकर ने पहले दस दिता कि उन्हां दा डायसिस विच बहुत वड्डा योगदान है वो कलीसियाई कानून दे माहिर हन
लंबा समा उन्होंने डायसिस विच चांसलर के तौर पर सेवा निभाई, होर कई पैरिशां विच ते हुण साडी डायसिस दे फिनांस मिनिस्टर हैं। फादर जी बहुत ही सूझवान इंसान हैं। साडी हर एक हाई फाई मीटिंग्स दे विच असी कई बारी फादर जी वाल देखते कि लास्ट वर्ड ये हुण कहन ते मीटिंग खत्म होवे। जदों असी फादर जी कोई सलाह भी मंगते हाँ तो हमेशा सानू सही सलाह देंदे हैं। बहुत वड्डा इन्हां कोल ज्ञान है अते सियानफ है ते दूसरियां नू मदद देन लई हमेशा तैयार रहिंदे हन। फादर जी तुहाडे इत्थे आउण नाल सानू बहुत खुशी होई, तुहाडी हजूरी ने सानू सन्मानित किया। मैं तुसी हुण आप ही डायसिस दे मालिक हो, फिर भी मैं अपने बिशप साहब जी वल्लों ते सारी डायसिस वल्लों तुहाडे इत्थे आउण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इस दे बाद साढ़े स्पोंसर्स जिन्हें असी गैसट ऑफ ऑनर का भी मान दिने, साढ़े मिस्टर रवि शर्मा जी ते आई बी नंदा जी, जो कि इस कलीसिया हुनरे कलीसिया जो असी शुरू किया 2019 उदो मैनू स्पोंसर लभन दे लई बहुत मुश्किल आ रही थी। कॉम्पीटिशन ऑलमोस्ट एंड ते सी लेकिन मेरे को कोई भी स्पोंसर नहीं मिलिया सी। फिर मैं फादर माइकल जी नाल सलाह की तो उन्होंने फादर जी ने रवि का नाम दसा कि उन्होंने कॉन्टैक्ट करो। मिस्टर रवि सी जो आखिरी समय से उस कॉम्पीटिशन साढ़े नाल मिल के उन्होंने कहा कि तुसी डोंट वरी असी थोड़े नाल हैं। टिल दैन मिस्टर रवि शर्मा, मिस्टर आई बी नंदा, आर एम जॉन ये साढ़े नाल शुरू तो जुड़े हुए हैं। तो इस प्रोग्राम के हुनर कलीसिया जिन्हें भी प्रोग्राम होए ने हुनरे कलीसिया बैटल ऑफ डांस हुन जां फिर हर साल असी कैरल कॉम्पीटिशन करवाने हैं, ये सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस एंड क्रिसमस ते भंगड़ा कैरल्स जो नवा प्रोग्राम आ रहा है वो आ रहा है। लेकिन हुण तक पहले प्रोग्राम तो लैके ये स्पोंसर्स की तरह ही नहीं एक फ्रेंड की तरह ब्रदर्स की तरह साढ़े नाल रहे ने ते हमेशा साडा साथ दिंदे ने। मिस्टर रवि शर्मा जी, मिस्टर आई बी नंदा जी अते मिस्टर आर एम जॉन जी, मैं अपनी सारी डायसिस वालों बिशप साहब जी के नाते साढ़े डायसिस के प्रोक्रेटर इत्थे बैठे ने इन्हां दे नाते तुहाडे सहयोग लई प्यार लई अते साढ़े नाल सानू सपोर्ट करन लई थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये स्टेज जिहड़ी आ ये कोई नोट फॉर फन, फस्ट ऑफ ऑल ये है खुदा की वड्याई करना। दूसरी चीज़ जिहड़ी मेन है कि ये स्टेज आपां पिंडां विच जो बच्चे गरीब कह सकते हैं फाइनैंशली तौर पर गरीब भी हो सकते ने ते उन्हां नू कई बारी स्टेज नहीं मिलती जां उन्हां नू वड्डी स्टेज ते पहुँचने लई कोई रस्ता नहीं लभदा। सो हुनरे कलीसिया जदों स्टार्ट की गई सी इहदा यही मकसद सी कि असी अपने टैलेंटेड ईसाई बच्चों नू खास करके जो पिंडां विच दूर दुराडे रहिंदे ने जिन्हां कोल माइक उन्हां दे हाथ विच नहीं पहुँचदा उन्हां नू एक स्टेज देना चाहुंदा सी मैं कि हर कोई अपने टैलेंट नू जो प्रभु ने उन्हां नू दित्ता ओह दूसरिआं दे सामने पेश कर सके। सो दिस ए मंच जिहड़ा आ एक्चुअली तुहाडे सारिआं लई जो भी पार्टीसिपेंट्स हन थोड़े लिए तैयार किया गया कि थोड़े विच जो गुण है खुदाई गुण है चाहे गाउण दा चाहे डांस करन दा एक्टिंग दा जो भी है वो तुसी दुनिया के सामने पेश कर सको। तो हो सकता जिद्दां असी टाइटल दिता सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस वन डे यू कैन बी स्टार्स इन एनी सोशल मीडिया तो हुण तां मीडिया ही एक प्रोफेशन बन गया। थोड़े लिए बहुत वधिया मंच तैयार किया गया जिहदे विच डायसिस दा पूरा सहयोग है। डायसिस के नाते ही मैं ये सारे काम करदा तो डायसिस के सहयोग नाल डायसिस की परमिशन नाल ही सारे काम होंदे ने। तो इसलिए जदों मैं गल शेयर की मिस्टर हुसैन नाजर हुसैन तो मिस्टर युगेश तो मैं कहा कि आपां गरीब बच्चों नू स्टेज दिंदे आ जदों इन्होंने ये गल सुनी तो इन्हां नू बहुत खुशी हुई कहिंदे फादर जी तुसी बच्चों लई कुछ वधिया कर रहे हैं तो असी तुहाडे नाल हाँ।
तो इसलिए ये साढ़े नवे स्पॉन्सर्स आए ने ऐतक मिस्टर हुसैन जो कि फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर कर रहे, मिस्टर योगेश जो कि सैकेंड कर रहे, मिस्टर आर एम जॉन जो कि थर्ड प्राइज कर रहे, बाकी मिस्टर रवि शर्मा तो मिस्टर आई बी नंदा हमेशा साढ़े बच्चों लिए जो भी कोल्ड ड्रिंक्स ज गिफ्ट ज जदों सू फाइनेंस की जरूरत पैंती है हमेशा साढ़े नाल रेंदे ने। तो इसलिए मैं अज साढ़े नाल मिले नवे स्पॉन्सर्स नू भी अपने दिलों अपनी डायसिस वालों बिशप साहब जी वालों फादर जोस जी वालों बहुत बहुत धन्यवाद कहना। साढ़े जजस जो कि पार्ट ऑफ अस हो गए ने, मतलब ऑडिशंस तो लैके फाइनल तक हमेशा साढ़े नाल चलते ने। तो हुण इन्हां ने साढ़े सिंगर्स की भी नबज फड़ ली है, तो इन्हां हुण पता है कि कितने असी किस तरह किस सिंगर नू सपोर्ट करना है, उन्हों अपलिफ्ट करना है, उन्हों अगे लियाना है। अते इन्हां दी जजमेंट तो असी जानते कि एक एक चीज़ नू नोट करके साढ़े पार्टिसिपेंट्स तक पहुँचाते हैं ताकि वो वधिया सिंगर बन जान, नॉट जस्ट परफॉर्मर्स बट बेस्ट सिंगर्स वन डे, बेस्ट सिंगर्स वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। सो जो तुसी अपनी नॉलेज जो तुसी ज्ञान तुसी अपनी एक्सपर्टाइज साढ़े बच्चों नू दे रहे हो पार्टिसिपेंट्स नू वो बहुत ही वड्डी है अते सलाघा योग है। इसलिए मैं अपनी डायसिस दे नाते फादर जोस दी दे नाते तुहानू जजस नू अपने वालों दिलों धन्यवाद कहिंदा। होर भी साढ़े हुण पार्टिसिपेंट्स आंदे ने बच्चो, नैचुरली मैं तुहानू धन्यवाद करना चाहुंदा क्योंकि असी तुसी साढ़े लिए बहुत प्रेशियस हो खास हो, असी तुहानू पिंडां चो चुक के लिआंदा, तुहानू असी डिस्कवर कीता है, तुहाडी आवाज़ नू पहचानिया है। मेरे ख्याल दे विच साढ़े 400 बच्चा सी जो असी साड़ी डायसिस दीआं 16 डीनरियां विच उहदे विच CNI दो तीन चर्चस होर भी असी कवर कीते, मतलब 18 जगह असी कवर कीतियां सारी जलंधर डायसिस दे विच पूरे पंजाब दे विच, जितों सानू 450 बच्चा मिलिया जिन्हां ने मतलब पार्टिसिपेट किया। 80 बच्चे क्वार्टर फाइनल विच पहुँचे अते 31 बच्चे सैमीफाइनल विच, सैमीफाइनल दे विचों 12 बच्चे जिहड़े सी अज साढ़े सामने फाइनल दे विच पहुँचे ने, रिजल्ट्स जजस देणगे। असी तुहाडे लई इह मंच तैयार किया ता कि तुसी अपने टैलेंट नू अपने गॉड गिवन टैलेंट नू खुदा दी वडियाई विच वरत सको। सो इसलिए सपोर्ट करो इस मंच नू, ते होर भी जो सिंगर्स तुसी डिस्कवर करदे आ तुहाडे रिश्तेदारी विच फ्रेंडशिप दे विच उन्हां नू भी इस मंच नाल जोड़न लई कोशिश करो, क्योंकि ये हुण हुनरे कलीसिया डायसिस दा भी एक जिद्दां हिस्सा बन चुका है। हुनरे कलीसिया दा मतलब कि चर्च दा हुनर, कलीसिया दा हुनर, साड़ी जो कलीसिया है उहदा हुनर असीं लभ रहे हां। सो इहदे विच पूरा कैथलिक चर्च इनवॉल्व करदा है, ते इह तुहाडे लई जो हुनर दा मंच तैयार किया गया तुसी अपनी सिंगिंग नाल पार्टिसिपेशन नाल सहयोग नाल होर मैंबरां नू इकट्ठे करके इस नू होर भी वध वधिया बना सकदे हो। ते मैं तुहानू सारयां नू पार्टिसिपेट करन लई इत्थे आउण लई, तुसी मैनूं पता बहुत दूरों दूरों चल के आए, कई बच्चे फाजिलका आए सवेर दे चले हुए आ, ते ये सी बच्चे तुहाडे लिए तुसी इस नू सहयोग दो। ते मैं एक बार फिर डायसिस दे नां ते तुहानू सारयां नू धन्नवाद कहिंदा हां तुहाडे पार्टिसिपेशन लई तुहाडे सहयोग दे लई, थैंक यू। साडी कैमरा टीम जो कि प्रार्थना भवन TV दी टीम है अते जिन्हां दा एक जिम्मेवारी भी है एक ड्यूटी भी है, ते फिर भी इन्हां दी इस मेहनत लई लगन लई सारा दिन खड़े रहन लई सानू शूट करन लई अते जो भी पार्टिसिपेंट्स नू कैमरामैन गाइडेंस दिंदे आ किवें खड़े होना किवें प्रसन्न करना किवें बोलना, मैं अपनी प्रार्थना भवन टीम नू अज दे म्यूजिक टीम नू अज दे साउंड टीम नू बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहुंदा हाँ। साडी डायसिस वल्लों बिशप साहब जी दे नां ते साडे मुख मेहमान फादर जोस जी दे नां ते तुहानू सारयां नू बहुत बहुत धन्यवाद। मिस रोशनी ने मैनू फोन किया एक बहुत वड्डी डिमांड की कि फादर जी मैनू ना जजिंगली को दो चांस मैं जज बनना चाहनी हाँ। तो मैं क्या कि नहीं जज तो नहीं तुम बनते असं तो वकील बना लें तुम एंकरिंग करो। तो दिस वॉज गॉड्स हेल्प फॉर मी
automatically anchor calling me, and she brought one more anchor with her, her sister, and we know they have done very well, very well. So this was very good. I find in all our programs they have done very well. So thank you very much in the name of our bishop and our diocese. Thank you for coming and helping us. So ek vari fir main itthe hazir saryan nu sadi team vakri vakri jagah care kar rahi hai. मैं अपनी सारी टीम नु प्रार्थना भवन टीम सत्सेवा संचार टीम थानू बहुत बहुत धन्यवाद कहना. थैंक यू. सो फादर जी तुसी सारे दा वेलकम अते धन्यवाद ते कर दिता, पर असी थोड़ा धन्यवाद करना चाहते हाँ क्योंकि अज दा जेड़ा शो है और रेवरेंट फादर मार्टिन सादिक ते बिना कुछ भी नहीं है क्योंकि उही ऑर्गेनाइजर हैं अते उन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है. सो एक बार जोरदार तालियां लगावांगे असी रेवरेंट फादर मार्टिन सादिक जी दे वास्ते. सो हुण रिजल्ट का समा आ गया है तो मैनू पता है बहुत सारे जिहड़े इत्थे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं बहुत एक्साइटेड भी हैं. मैं जजिस के अगे बेनती करती हाँ कि वह रिजल्ट डिकलेयर करन. हुण मैं रिक्वेस्ट करांगा साडे अज दे चीफ गेस्ट रेवरेंट फादर जोस्टी जी अगे कि अगे आन तो अज के साडे गैसट ऑफ ऑनर साडे स्पोंसर्स नू ट्रॉफी दे के सन्मानित करन. सो हुण समय है साडे मानयोग गैसट जिहड़े आए ने साडे स्पोंसर साहिबान उन्होंने सन्मानित करन दा. ते सब तो पहले मैं रिक्वेस्ट करदा साडे बहुत ही सन्मानयोग मिस्टर रवि शर्मा जी दे अगे वो मंच ते आन ते फादर जी दे वल्लों सन्मान हासिल करन. मिस्टर रवि शर्मा जी, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम जो है साडे स्पोंसर्स दे दी हेल्प नाल ही हुंदा है, उन्होंने प्यार नाल ही सारा जो है कंप्लीट हुंदा है. ते इन्हां तों बाद साडे बहुत ही प्यारे सन्मानयोग मिस्टर आई बी एस नंदा जी मंच ते आन ते फादर जी वल्लों सन्मान हासिल करन. आर एम फिल्म प्रोडक्शन तो मिस्टर आर एम जॉन जी नू सद्दा दिना ये वो आन ते फादर जी वल्लों सन्मान हासिल करन. आर एम जॉन जी जोरदार तालियां इनां दे लई जी. ते इन्हां दे बाद साडे बहुत ही मानयोग सन्मानयोग मिस्टर नासिर हुसैन जी नू रिक्वेस्ट करदा कि उस स्टेज ते आउण ते फादर जी वल्लों सन्मान हासिल करन. तो इन्हां दे नाल ही मिस्टर योगेश मनचंदा जी नू रिक्वेस्ट करदा कि मंच ते आन ते फादर जी वल्लों सन्मान हासिल करन. योगेश मनचंदा जी ते हुण मैं अपने ग्रुप मैंबरस नू रिक्वेस्ट करदा कि ट्रॉफी लियाओ तां जो असी साडे मानयोग फादर जी का सन्मान कर सकी मिल के सारे जने. जोरदार तालियां साडे मानयोग फादर जोस्टी जी दे. हुण वारी है साडे जजिस नू सन्मानित करन दी. सो मैं रिक्वेस्ट करदी हाँ सर डेनिस नू प्लीज़ अगे आओ. उस तो बाद सर राकेश निशावर जी की उन्होंने भी सन्मानित किया जाए. दो जोरदार तालियां. उस तो बाद वारी है साडे सर आशीष बलधारी जी नू सम्मानित करन दे लई. साडे इन्हां स्पोंसर्स दे लई और अज दे चीफ गेस्ट दे लई जोरदार तालियां. ते हुण अनाउंस करांगे आपां इस फिनाले दा रिजल्ट. तो उस तो पहला जिहड़े लोग इस फिनाले दे विच अपनी दौड़ पूरी कीती और बहुत अच्छियां परफॉर्मेंसेस दित्तियां लेकिन जिहड़ी पोजिशन हासिल नहीं कर सके, लेकिन पोजिशन खुदा ने उन्हां नूं इनडायरैक्टली आसमान तो देनी है. असीं कौन हुंदे किसे नूं पोजिशन देण वाले. खुदा जिहदी महिमा तुसीं इत्थे कीती है उन्हें पोजिशन तुहानूं अपने आप देनी है. तो लेकिन हुण असीं भी सन्मान करांगे उन्हां दा. प्रार्थना भवन टीवी वालों उन्हां नूं सर्टिफिकेट दिते जाणगे ग्रैंड फिनाले च परफॉर्म करन दे. तो सब तो पहला नाम है जो कि
पोजिशन नहीं बना सके लेकिन बहुत वधिया परफॉर्मेंस की थी। पहला नाम है सलमोन, सलमोन ले जोरदार तालियां जी। ब्रदर सलमोन जोरदार तालियां। फादर जी उन्होंने सम्मान देंगे। तो अगला नाम है गुलशन जेम्स। गुलशन जेम्स प्लीज कम फॉरवर्ड। अगला नाम गुलशन जेम्स, जोरदार तालियां आने दे जी। ये भी विनर्स है सारे साढ़े, बहुत ही प्यारे बच्चे साढ़े भ्रा। अगला नाम ज्योति, ज्योति जी। ज्योति तो बाद अगला नाम है बेनेहिन जी। बेनेहिन प्लीज कम फॉरवर्ड। जोरदार तालियां साढ़े ब्रदरली, बहुत अच्छे गजल सिंगर है, बहुत वधिया गाया है इन्होंने। बेनेहिन जी तालियां मार दे रहो प्लीज। अगला नाम है आशीष कुमार। आशीष कुमार जल्दी आ जाओ सर। उन्हें तो अगे नाम है जी विलियम मसी। विलियम मसी जी आ जाओ जी। जोरदार तालियां ना दिली, तालियां ज़्यादा मारिया करो क्योंकि इन्होंने फिनाले तक पहुँच के बढ़िया परफॉर्मेंस की है। अगला नाम है जी साड़ी बहुत ही प्यारी गुड़िया एंजल। एंजल ये साड़ी लड़की जो है जी बहुत प्यारी है। इन्हें तारे जमीन दे उत्ते जो जी टी वी का प्रोग्राम है उदे विच भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और फाइनल तक पहुंची सी। अगला नाम है जी जॉन जी। जॉन जोरदार तालियां जॉन दली। सो ये सन साढ़े वो कलाकार जिन्होंने फाइनल दे विच बहुत वधिया परफॉर्म किया लेकिन पोजीशन हासिल नहीं कर सके। सो सब तो पहला हुण जिन्होंने पोजीशन हासिल की है असी फर्स्ट सैकेंड थर्ड पोजीशन दित्तियां है लेकिन एक जो प्राइज़ है वो असी एप्रीसीएशन दे लई दिता जिन्हें वधिया परफॉर्म किया जिस मैंबर ने और एप्रीसीएशन दे विच असी उन्होंने रखिया है सर्टिफिकेट देवांगे ते उन्हां दी एप्रीसीएशन दी ट्रॉफी भी। सब तो पहला नाम है जो फोर्थ पोजीशन हासिल कर की थी जिन्होंने लीजा फाजिल का तो जोरदार तालियां। ते हुन टाइम है साढ़े विनर्स दे नाम अनाउंस करन दा। ते सब तो पहला मैं थर्ड पोजीशन वाले मैंबर्स दा नाम अनाउंस करांगा। तो जिन्हें थर्ड पोजीशन हासिल की है साढ़े उस ब्रदर दा नाम है राहुल मसी। राहुल मसी जोरदार तालियां जी। सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस दे थर्ड पोजीशन हासिल करके राहुल मसी जी ने अपने परिवार दा, अपनी कलीसिया दा और अपने चर्च दा नाम रोशन किया है, खुदा का नाम बुलंद किया है स्टेज के उत्ते। जोरदार तारियां एक बार फिर जी राहुल मसीद लिए। सो एक बार फिर तो तालियां राहुल मसीद लिए। हुण रह गए दो नाम जेडे कि नाल नाल बैठे आ, ठीक है नाल नाल ही बैठे आ, दूर नहीं एक दूसरे तो। वही हम कोशिश करांगे असी उन्होंने दोनों कट्ठे ही बुला दी। पर पहला नाम लवांगे, अच्छा पहला नाम यानी कि सैकेंड पोजिशन कोई नहीं ज़्यादा असी नहीं करते तंग थोनू। तो सैकेंड पोजिशन हासिल करके सिंगिंग स्टार्स बनन का मौका मिलया है मिस्टर डैनियल गिल। डैनियल गिल की जोरदार तालियां जी। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तो हुण समा है नाम अनाउंस करन दा जिहड़े कि साडे फस्ट पोजिशन लैके सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस दे विच्चों सिंगिंग दे स्टार बने। उन्हां दा नाम है मिस्टर साहिल गिल गांदरा तों।
एक बार फिर तो जोरदार ताली मारते रहो जब तक साहिल गिल जी स्टेज पर नहीं आते। साहिल गिल जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस दे फाइनल विनर मिस्टर साहिल गिल फ्रॉम नकोदर गांधरा तो। पोजीशन हासिल करके साढ़े ब्रदर डैनियल जी और फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले साढ़े ब्रदर साहिल जी के लिए जे एम एस रिकॉर्ड्स वालों एक म्यूजिक वीडियो बनाया जाएगा, एक गाना उन्होंने उन्होंने स्पॉन्सर किया जाएगा जे एम एस रिकॉर्ड्स कंपनी वालों। 25,000 कैश प्राइज उन्होंने दिता जाएगा विद द ट्रॉफी और साड़ियाँ दुआवां वो सारिया इन्हों मिलनगिया इन्ह तिने विनर्स नू। और जेडे लोग अगले राउंड इस राउंड वधिया परफॉर्म करके पोजिशन हासिल नहीं कर कर की जिन्होंने उन्होंने लिए भी प्रार्थना भवन टीवी मैं जिदा ऑलरेडी कह चुके हैं कि तुसी इन टच रहना ग्रुप के ऐड रहना कोई एग्जिट ना करे उन्होंने लिए भी असी समय समय सिर कुछ ना कुछ असी अपने वालों मैं हाले अनाउंस नहीं करना चाहता क्योंकि साढ़े मान्योग फादर डायरैक्टर साहब फादर मार्टिन सादिक जी सानू गाइडलाइनस देंदे उहदे अकॉर्डिंग असी अनाउंसमेंट्स करी दियां। सो अनाउंसमेंट्स हाले नहीं होण गिया लेटर ऑन असी तुहानू कल्ले कल्ले नू कुछ ना कुछ तुहाडी रिकॉर्डिंग्स वगैरह या कुछ नवे प्रोग्राम बनावांगे जिहदे विच तुसी साडे नाल जुड़े रहोगे और असी एक जो बीड़ा उठाया है जो जिम्मेदारी लई है तुहानू दुनिया दे विच दिखाण दी उस जिम्मेदारी नू निभावांगे जरूर निभावांगे और साड़ियाँ दुआवां तुहाडे नाल आ। खुदा तुहानू बहुत बहुत बरकत देवे। ए सी साडा सिंगिंग स्टार्स ऑफ जीसस दा ग्रैंड फिनाले और ग्रैंड फिनाले बहुत ही अच्छे तरीके नाल लिबड़िया असीं सारे जणे खुदा दा धन्नवाद करांगे नारा लावांगे हालेलुया। इह साडा ग्रैंड फिनाले जिहड़ा बड़े ही खुशियां ते चावां दे नाल कंप्लीट होया। सो कॉन्ग्रेचुलेशनस सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारक और जिहड़े विनर्स आ उन्हां नूं भी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ग्रैंड फिनाले कंप्लीट होया।